तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बीएससी बायो ग्रुप का क्वेश्चन पेपर है। ये प्रश्न पुस्तिका जो सीरीज है ये एक ही है, तो इसको हम साल इसका सॉल्यूशन जो है ये इसको दिखा देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दो पिंड एम और 4m द्रव्यमान के समान रेखीय संवेग से गति कर रहे हैं, उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा। तो इसका जो अनुपात होगा ये 4:1 हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोहर ने निम्न विचार को आगे बढ़ाया है, तो बोहर का जो सिद्धांत था उसमें स्थिर कक्षाओं की बात कही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से एस्क को कैल्शियम एवं मैग्नीशियम दोनों का एस्क माना जाता है, तो ये हो जाएगा डोलोमाइट, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि वह तत्व जो निष्क्रिय तत्व प्रभाव सबसे कम व्यक्त करता है, तो करेक्ट आंसर इसका नहीं बता सकते हैं, बाकी मेरा अनुमान है कि शायद इसका बोरान होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, लेकिन अगर आपको कुछ और लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि कार्बोनियम आयन की स्थिरता निर्भर करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जुड़े हुए समूह के प्रेरणिक एवं अति संयुग्मन प्रभाव के कारण। छठा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट BF3, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। सातवां क्वेश्चन है कि एसीटोन और मिथेनॉल है कि मिश्रण को किस प्रकार से पृथक्कृत किया जा सकता है, तो प्रभाजी आसवन इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑर्गेनोमेटेलिक यौगिक नहीं है, ऑर्गेनोमेटेलिक यौगिक नहीं है, तो ये है ऑप्शन सेकंड C2H5ONa। नौ नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके हाइड्रोलिसिस से एसीटेल्ड हाइड प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन एसीटेल्ड माइन। दस नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सांद्र क्षार है, तो इसका आंसर भी नहीं पता चला है, लेकिन जैसे ही इसका आंसर पता चलेगा तो हम बता देंगे आपको, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में क्वेश्चन 10 का आंसर बता सकते हैं। टाइफाइड के उपचार में प्रयुक्त एंटीबायोटिक है, टाइफाइड के उपचार में एंटीबायोटिक पेनिसिलिन होता है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि NaCl के संतृप्त घोल में HCl गैस के करंट को प्रवाहित करने पर NaCl की घुलनशीलता ये क्या होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कम हो जाएगी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कम हो जाएगी। अवशोषण है, अवशोषण है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सतही घटना, अवशोषण एक सतही घटना है, सरफेस घटना है, तो इसको याद रख सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल में क्रमशः क्या होता है, तो ये होता है फेरस और मैग्नीशियम, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, फेरस और मैग्नीशियम। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से एस कार्बन के द्वारा धातु में अपचयित नहीं हो सकते हैं, तो ये चार यहाँ पर दिए गए हैं कथन, तो इनमें से कौन सा सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड Al2O3 एंड MgO, ये हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर है। आप लोग कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं हमारे आंसर के अकॉर्डिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 60 नंबर क्वेश्चन कि दो पत्थर समान वेग से थीटा एम 90-θ एंगल पर फेंके जाते हैं, ये दो पथों में H और H1 पत्थरों द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाइयाँ हो, तो RH एवं H1 में क्या संबंध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट RH√H1 × H, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जब एक पिंड नियत चाल से वृत्तीय पथ पर गति करता है तो क्या होता है, किया गया कार्य वर्क शून्य होता है, W शून्य होता है, क्योंकि फार्मूला होता है W = FD cos θ, FD cos θ, अगर विस्थापन हमारा जीरो हो जाएगा तो कार्य जीरो हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड के संवेग में 20% की वृद्धि होती है तो गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो ये 44 हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। बर्नौली समीकरण बिंदुओं पर लगेगा धारा रेखीय प्रवाह पर, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है।
20 नंबर क्वेश्चन है, एक काली बॉडी को 27 डिग्री सेल्सियस और 927 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, इन ताप पर निकलने वाले विकिरण का अनुपात क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:256, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक पारदर्शी कांच स्लैब जिसका अपवर्तनांक 1.62 है पर एक प्रकाश किरण गिरती है, यदि परावर्तित किरण है एक दूसरे के लंबवत हो तो आपतित कोण का मान कितना हो जाएगा। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है 10 inverse 1.62। 22 नंबर क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध की बात कर रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है, ए और बी के बीच 5 प्रतिरोध दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकेंड 4.6 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक वृत्तीय क्वाइल जिसकी त्रिज्या आर है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इस क्वाइल के अक्ष पर उसके केंद्र से वह दूरी जिस पर चुंबकीय इंडक्शन केंद्र के चुंबकीय इंडक्शन का 1/8 गुना कितना होगा। तो ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा √3, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। और 24 नंबर क्वेश्चन भी इजी पूछा गया था कि एक प्रत्यावर्ती सर्किट में 40 ओम का प्रतिरोध 30 ओम का प्रेरकत्व प्रतिरोध है, तो सर्किट का इम्पीडेंस अभी बाधा क्या होगी। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, केवल फार्मूले पर रखने वाला क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 50 ओम 50 ओम इसका राइट आंसर है। दाब, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन, तो दाब एक अदिश राशि है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% से सिकुड़ जाती है तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा, तो इसका राइट आंसर है 2% बढ़ जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 27 नंबर क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति करते हुए एक कण का आवर्तकाल 2 गुना कर दिया जाए तब उसकी आवर्त कितनी होगी, तो आवर्त आधी हो जाएगी, क्योंकि क्या होता है टी रिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/NK। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन सिंपल था, ये दिया है कि कांच में पानी का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष 3/2 और 4/3 है, कांच का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा, तो 9/8, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी आर परिपथ का समय नियतांक, तो ये हो जाएगा सी आर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सी आर परिपथ का जो समय नियतांक होता है ये सी और आर का मल्टीपल में होता है। 30 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, यदि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी और 1.5 अपवर्तनांक वाले उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाए जिसका अपवर्तनांक 1.33 है, तो फोकल दूरी कितनी होगी में परिवर्तन पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 58.2 सेंटीमीटर। 31 नंबर क्वेश्चन है, एक एंजियोस्पर्म में 101 फीमेल गैमेटोफाइट का उत्पादन करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 101। 32 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोट्यूबुल्स इनमें से किसमें उपस्थित होता है, तो इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने का कारण, तो इसका राइट आंसर है गार्ड कोशिकाओं का दबाव, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, फोटो रेस्पिरेशन के लिए कौन सी अवस्था सर्वोत्तम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च ऑक्सीजन निम्न कार्बन डाइऑक्साइड। 35 नंबर क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस इनमें से कौन सी रासायनिक क्रिया है, तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिडक्टिव प्रक्रिया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 36 नंबर क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप ए बी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई एंटीबॉडी नहीं बनता है, दोनों एंटीजन तो बनते हैं लेकिन एंटीबॉडी यहाँ पर नहीं बनता है कोई भी। 37 नंबर क्वेश्चन है, एलर्जी के खिलाफ सबसे महत्वपूर्ण एंटीबॉडी कौन सा बनता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी IgG, कैपिटल लास्ट वाला जी है कैपिटल है।
38 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। विश्व पर्यावरण दिवस ये कब मनाया जाता है, सभी को पता होगा, ये मनाया जाता है 5 जून को। अगला क्वेश्चन है, कवक की कोशिका भित्ति के प्रमुख घटकों में से एक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, काइटिन इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। 40 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के गठन के लिए महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनल है, तो ये कौन सा हो जाएगा, गोल्गी उपकरण, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 41 नंबर क्वेश्चन है, गोल्गी तंत्र उपस्थित होता है, तो इसका राइट आंसर है बैक्टीरिया और हरे नीले शैवाल में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, बैक्टीरिया और हरे नीले शैवाल में। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं है, तो ये हो जाएगा विटामिन B2 पेलेग्रा, पेलेग्रा जो होता है विटामिन B3 में होता है, याद रखें। 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बेंथम और हुकुर आधारित वर्गीकरण है, तो ये प्राकृतिक है, नेचुरल है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव का दंत सूत्र क्या है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी I2C1P2N3। 45 नंबर क्वेश्चन कि विभिन्न DNA अंशों को एक साथ मिलाने की प्रक्रिया को अक्सर क्या कहा जाता है, तो ट्रांसक्रिप्शन इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। 46 नंबर क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल से प्रदूषण कारक है, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड भी है लेकिन सबसे अधिक मात्रा में है, तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। 47 नंबर क्वेश्चन है कि 5 लड़कियों 4 लड़कियों के समूह में 3 लड़कियों 3 लड़कियों की टीम के चयन में कुल कितने तरीके हैं, तो टोटल तरीके हो जाएंगे 40, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि संख्याओं 3, 5, 11, 14, 17, 21 में भिन्न संख्या कौन सी है, तो इसका राइट आंसर है 14, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 14। 49 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही आसान था कि यदि आज सोमवार है तो 61वां दिन पश्चात यह कौन सा दिन होगा, तो शनिवार इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। और लास्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के आयु उसकी माँ की उम्र की 2/5 है, 8 वर्ष पश्चात उसकी माँ की आयु आधी हो जाती है, तो उसकी माँ की वर्तमान आयु, तो 40 वर्ष इसका राइट आंसर है। तो आप बताएं कि आपके कितने आंसर सही हैं। तो वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी करें फ्रेंड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।